जी, आज मैं थर्ड बुक स्टार्ट करवा रही हूँ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो है आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली परफॉर्मा बैलेंस शीट बताया जाएगा कि कंपनीज एक्ट में, जैसे आप लोग, आपने अभी तक जो बैलेंस शीट पढ़ी है वो आपने हॉरिजॉन्टल पढ़ी है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि आपका एक साइड सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब कि आपके पास कहाँ कहाँ से पैसा आया, और यहाँ पर एसेट्स, यहाँ जैसे कि आपने इसको पढ़ा है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज और इधर एसेट्स, और यही आपने इक्वेशन इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से आपने शुरुआत की थी अकाउंटेंसी की, है ना, जो ये शो करती है कि आपके पास कितनी कैपिटल है, कितना कहाँ कहाँ से पैसा आया, और उतना पैसा आपके पास बैलेंस शीट में आपके बिजनेस में एज एसेट होना चाहिए। और अगर मान लो आप कहते हो कि पैसा ज़्यादा आया एसेट्स कम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है पैसे का, या एसेट्स ज़्यादा है पैसा कम है, तो यानी आपने कहीं पर किसी का पैसा आया है और आपने लिखने में उसको रिकॉर्ड करने में कोई मिस्टेक की है। अब जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंगली हमें बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में नहीं बनानी है। कंपनीज एक्ट 2013 में बैलेंस शीट बनाई जाती है वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट का गिवन है। वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब क्या है, एज पर कंपनीज एक्ट, कि आपको कंपनीज एक्ट में ये कहा गया है कि बैलेंस शीट जो है वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरा इसमें ये कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब कि आपको एक साथ दो ईयर के रिकॉर्ड्स इसमें देने हैं, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, सो दैट द आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये पब्लिश होती हैं, कंपनी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिश होती हैं, एंड दे आर यूजफुल फॉर मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये यूजफुल होती है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल है, और इवन आउटसाइडर्स के लिए भी, आउटसाइडर यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट में फिर इसीलिए जो बैलेंस शीट है उसका फॉर्मेट जो इंटरनेशनल लेवल का कर दिया गया है, ताकि हम जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, वो लोग भी हमारी बैलेंस शीट को समझ सकें। आपने पढ़ा होगा कि जो बैलेंस शीट में जो फॉर्मेट होता है, मतलब जो भी अकाउंटिंग होती है वो हमेशा अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, तो इसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इसको वर्टिकल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप एक तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ोगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ोगे, ठीक है, और इसमें से जो आपका मेन क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपको अलग अलग चीज़ें दे दी जाती हैं, आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन से सब हेड का पार्ट है, कौन से मेन हेड का पार्ट है। और इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला तो एक तो बैलेंस शीट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस में इसमें कंपनीज में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको इस चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी बताया जाएगा, साथ में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब क्या है कि देखो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा ये प्रीवियस ईयर अमाउंट और करंट। और इससे पहले आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, इससे बैलेंस शीट में आपको नोट्स टू अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इसका एक कॉलम बनता है और साथ में ये बनता है पर्टिकुलर, यानी कि हम एक साथ चार लाइनें इस तरह से खींचते हैं, और ये लाइनें बस ऐसे नहीं खींचती कि एक पोर्शन इधर बनाया फिर एक इधर, इसमें क्या होगा कि आपने पोर्शन एक
साथ बनाना है और इसी में आपको ये लंबी बैलेंस शीट होगी। सबसे ऊपर आपको लिखना है सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपका आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पैसा कहाँ कहाँ से आता है किसी बिजनेस में, कहाँ से आएगा पैसा, पैसा कहाँ से आता है किसी बिजनेस में। हमें एसेट्स खरीदनी है, अगर आपको बिजनेस करना है, आपको एसेट्स खरीदनी है, तो आप पैसे का कहाँ से अरेंजमेंट करते हो? बैंक से लोन लेते हो, वो तो लायबिलिटी हो गई। अपना पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, होती है, अपना पैसा भी लगाने की जरूरत है ना, है ना। तो इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स का पैसा और लायबिलिटीज का मतलब होता है आउटसाइडर्स का पैसा, और दोनों का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है। उस पैसे से फिर हम नीचे की एसेट्स, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज को मेन दो पोर्शंस में बांटा गया है। पहला पोर्शन है शेयर होल्डर्स का, ठीक, और दूसरा पोर्शन है आपका लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें चलती हैं। पहली होती है शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड का पहला पार्ट है शेयर कैपिटल, ठीक है। दूसरा पार्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, और तीसरा पार्ट है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। और इसी शेयर होल्डर का फंड का एक दूसरा जो पार्ट है वो है मनी पेंडिंग शेयर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो वन बाय वन इसको समझना है, इसके बाद ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है ये सारा का सारा पार्ट है शेयर होल्डर इक्विटी का, ठीक है। ये इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड के ये तीन सब पार्ट, ठीक है। ये शेयर कैपिटल, अब इसमें क्या होता है कि हम इसमें नेट अमाउंट लिखते हैं। नेट अमाउंट हमारा पिछले साल शेयर होल्डर्स का कितना था और करंट ईयर में कितना था, और इसके लिए जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा सेपरेट नोट्स टू अकाउंट में की जाती है। तो मान लो जैसे हम कॉपी में इंडेक्स बनाते हैं ना, कि ये चीज़ अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो कहाँ देखो, बनाते हो आप इंडेक्स, कैसे बनाते हो, चैप्टर का नाम लिखते हो, पेज नंबर लिखते हो। तो यहाँ पर अकाउंट नोट्स टू अकाउंट नंबर लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाए जाएंगे जिसके अंदर आप डिटेल दोगे कि हमारे पास शेयर होल्डर फंड के नाम से कितना पैसा आया। वो आप कैसे बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट, यहाँ नोट्स टू अकाउंट लिखा, पहला लिखा आपने शेयर कैपिटल, आप शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये मैंने आपको वैसे उस वाले चैप्टर में भी बताया था, कंपनी वाले चैप्टर में भी, पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल आपको बताया था क्या होती है, क्या होती है ऑथोराइज कैपिटल, बच्चे जो घर में है वो भी आंसर दो। हाँ जी, ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन कंपनी रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट। तो ये जरूरी नहीं है कि इसका जो भी पैसा है वो हमने पूरी की पूरी कैपिटल रेज भी कर दी हो, हो सकता है कि हमने कैपिटल ऑथोराइज करवा रखे, रजिस्टर्ड करवा रखी है कि हम इतनी कैपिटल कलेक्ट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने सारी कैपिटल कलेक्ट कर रखी हो। हमारा यहाँ पर जो रिकॉर्ड में हमें रखना है वो पैसा रखना है जो हमने रिसीव किया है, रिसीव्ड इन बैंक, हमारा रिसीव हुआ है हमने बैंक में, एक्चुअली में हमने इतना पैसा रिसीव कर दिया है, वो हमें यहाँ पर रखना है। तो ऑथोराइज कैपिटल
इशू तो मतलब सॉरी रजिस्टर कर रखा है लेकिन इशू ना की हो, फिर आपको ये इशू कैपिटल। अच्छा, इसमें आपको ये भी बताना है कि ये ऑथराइज कैपिटल हमने कितने प्रेफरेंस शेयर्स और कितने इक्विटी शेयर्स बनाए हैं और वो कितने रुपए के एक है। फिर ऑथराइज कैपिटल के बाद आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल यानी कि आपने, जैसे कि आपने उस चैप्टर में भी पढ़ा कि मान लो हमारे ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपए है लेकिन उसमें से अभी आपने केवल 5 लाख रुपए की कैपिटल इशू की है, तो आप वो भी यहाँ पर लिख दोगे इशूड कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि जो कैपिटल इशू की हो वो सारी की सारी आपने लोगों ने पब्लिक ने खरीद भी ली हो। तो इसमें तीसरी कैपिटल, तीसरी टाइप की कैपिटल आती है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जब तक कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना आ जाए कंपनी जो है शेयर्स इशू नहीं कर सकती, लेकिन अगर मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई और सब्सक्राइब हो गई है कैपिटल, तो हम यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में आपने देखा कि शेयर जो आपने कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था शेयर कैपिटल वाला, उसमें देखा कि आपने कुछ शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट कर देते हैं या कंपनी ने जो कॉल्स हैं वो अभी पूरी ना की हो। ऐसा होता है ना कि मान लो हमने 10 रुपये का शेयर इशू किया है और कंपनी ने अभी केवल 7 रुपये कॉल किए हैं, तो हमारी जो 7 रुपये के अगर शेयर्स उन्होंने कॉल किए हैं अभी तक, तो 3 रुपये अभी मान लो बाकी हैं, तो उनकी फुली कॉल्ड अप फुली पेड अप कैपिटल जीरो हो। फुली पेड अप का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर पूरे 10 रुपये रिसीव हो चुके हैं। तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्ड अप कैपिटल फुली लिखेंगे तो वो तो हमारी सब्सक्राइबिंग फुली पेड अप आ गई। इसके बाद हम निकालेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में क्या होगा, आपको लिखना है कॉल्ड अप कैपिटल जो भी होगी लेस कॉलिंग एरियर। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है आपका इस वाले चैप्टर में से, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो ज्यादातर हेड्स एंड सब हेड्स पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि आपको एक कोई भी फिगर दे दी अमाउंट, मतलब कोई भी वो दे दिया हेड दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये बैलेंस शीट का इसका मेन हेड कौन सा है और इसका सब हेड कौन सा है। या जैसे आपसे पूछा गया जैसे कॉलिन एरियर्स कहाँ पर अपीयर होगा बैलेंस शीट में, तो हमेशा देखो ध्यान रखो कॉलिन एरियर्स इज ऑलवेज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट। कंपनी की बैलेंस शीट में कॉलिन एरियर नहीं शो किया जाता, हमेशा नोट्स टू अकाउंट में शो किया जाता है, और उसको भी हम जब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल निकालते हैं उनमें से माइनस करके शो किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो जो नेट अमाउंट आएगा वो यहां पर। अच्छा, मान लो हमने शेयर्स फोरफीट कर दिए हैं, शेयर फोरफीटेड का भी पैसा पड़ा हुआ है, तो वो वाले शेयर्स फुली पेड अप में नहीं आएंगे ना इसमें आएंगे, आपको यहीं पर एड शेयर फोरफीटेड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर्स फोरफीट हो गए हैं और उनका पैसा तो आ ही चुका है। अब वो ना तो वो हमारे सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है ना वो नॉट फुली पेड अप का पार्ट है, क्योंकि हमने उन शेयर्स को कैंसिल कर दिया है। अगर हम शेयर्स को कैंसिल कर चुके हैं तो हमको शेयर्स फोरफिटेड के नाम से अलग से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट, शेयर होल्डर फंड का। जब अब पूछे कोई आपसे कि शेयर कैपिटल का मेन हेड कौन सा है, शेयर कैपिटल का मेन हेड है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, कॉलर एरियर कहाँ शो किया जाएगा, इट विल बी शोन टू द नोट्स टू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द शेयर कैपिटल। तो इसका तो एक तरह से सब ऐड हो गया नोट्स टू अकाउंट, और
मेन हेड हो गया इसका शेयर कैपिटल। इसी तरह से इसमें जो सेकेंड अमाउंट है वो है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में क्या आता है, जितने भी रिजर्व्स हमने प्रॉफिट का पार्ट बनाकर रखे हैं विच आर अवेलेबल, विच आर रिलेटेड टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसमें हर तरह के रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आ जाते हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, नेट बैलेंस। जैसे कई बार क्या होता है हमारा मान लो डेबिट बैलेंस भी है और क्रेडिट बैलेंस भी है, तो आपको यहाँ पर नेट बैलेंस शो करना है। तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, या आपका कोई एक होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, किसी भी तरह का ऐसा रिजर्व जो प्रॉफिट का एक पार्ट हो, वो रिजर्व एंड सरप्लसेस में आता है, ठीक है। तो इसमें भी आपसे जो जो आपके मेन सिलेबस में वही पूछेंगे, जनरल रिजर्व वगैरह जो भी हो आएंगे। फिर होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये केवल आपको हेड याद करना है, इसके बारे में आपको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी कई बार शेयर वारंट्स इशू करती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट, पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट, ये वो है कि जैसे मान लो कंपनी ने शेयर ऑफर कर रखे हैं, पैसा रिसीव हो चुका है, लेकिन अभी उन शेयर्स की अलॉटमेंट बाकी है, यानी अभी शेयर्स अलॉट नहीं किए लेकिन हमारे पास पैसा बैंक में आ चुका है। जैसे मान लो आपने एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो कर दिया, लेकिन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री नहीं की, यानी अभी आपने शेयर्स को फाइनलाइज करके किसी को अलॉट नहीं किए हैं, तो वो आपका रहेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इस तरह से ये आपका जो दोनों चीज़ें हैं ये इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। ये सारा पैसा जो है शेयर होल्डर से रिलेटेड है, जब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो ये वाला पैसा खत्म होकर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, जो अलॉटमेंट हो जाएगी, और जो पैसा रिटर्न होगा वो रिटर्न हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ जो पैसा हमें एडवांस ऑल इन एडवांस अगर वो हुआ तो वो हमारा लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्विटी का पार्ट हो गया। अब हम करेंगे लायबिलिटीज का पार्ट। सेम फॉर्मेट यही चलेगा, लेकिन ये ब्लैकबोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं वन बाय वन करवा रही हूँ। तो आपने सबसे ऊपर जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज किया, उसके बाद जो सेकंड आप इसमें रखोगे वो होगा, हाँ, इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो हमारा पार्ट है लायबिलिटीज का। शेयर कैपिटल अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसमें हम सारा शेयर होल्डर फंड जब इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर हमारा पार्ट हो जाता है लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज में भी दो पार्ट हो गए, दो पार्ट कैसे हो गए, एक तो हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म या इसमें हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, और दूसरा हमारा करंट लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो हमने किसी आउटसाइडर को पैसा देना है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में क्या अंतर है, पहले आपको करंट लायबिलिटीज इसमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो एक आपने अगर आम भाषा में कभी सुना हो तो सुना होगा करंट लायबिलिटीज क्या होती है, सुनिए आपने करंट लायबिलिटीज वर्ड। बच्चे आप लोग घर से भी आंसर दो, कोई बच्चा आंसर नहीं दे रहा है मुझे, क्या होती है करंट लायबिलिटीज, आप लोगों ने कभी सुना है करंट लायबिलिटीज वर्ड? हाँ जी, ऐसी लायबिलिटीज जो हमें विद इन वन ईयर पे करनी है, लेकिन कंपनीज एक्ट में लायबिलिटीज को थोड़ा सा और, करंट लायबिलिटी को थोड़ा सा और एलाबोरेट किया है। तो इसमें ये कहा गया है करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो, उसके उन्होंने तीन पॉइंट दिए हैं, वो आपकी बुक में दे रखे हैं, आप उसमें से देखना। एक तो ऐसी लायबिलिटीज जो या तो विद इन 12 मंथ्स पे करनी हो, विद इन 12 मंथ्स अगर हमें कुछ क्लियर ना हो तो विद इन 12 मंथ हमें पे करनी हो, या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें एक वर्ड नया इन्होंने ऐड, इसमें जो है आपने अगर पहले नहीं सुना होगा ऑपरेटिंग साइकिल,
करंट लायबिलिटीज के बारे में क्या कहा गया है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। इसके तीन पार्ट हो गए, पहला विद इन पेबल विद इन 12 मंथ्स, पेबल विद इन 12 मंथ्स, और या तो आपने 12 मंथ्स में पे करना हो, ठीक है, या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि आपने जिस दिन सामान बनाना शुरू किया, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल लेकर सामान का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, उस दिन से लेकर वो सामान बिका और बिकने के जिस दिन तक वो सामान बिका, उस पूरे पीरियड को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत छोटी होती है, जैसे कि हमारे खासतौर पर जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऑपरेटिंग साइकिल हार्डली 2 या 3 दिन की हो सकती है, जैसे ब्रेड है, बटर है, इन चीज़ों की। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी होती है, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, वहाँ पर क्या होगा कि आज बनना शुरू हुआ तो वो बनकर तैयार होकर रेडी टू